हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। गाइस, मैंने कल एक वीडियो क्रिएट की थी आप सभी के लिए, जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था कि लास्ट 15 डेज में किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि आपका एग्जाम इसी अटेम्प्ट में क्रैक हो जाए। सो आपने इस वीडियो के नीचे कमेंट करके रिक्वेस्ट किया, आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ने कि सर कॉमर्स और मैनेजमेंट को लेकर के भी वीडियो क्रिएट कर दीजिए, जिसमें आप हमें स्ट्रेटेजी बता दीजिए किस तरीके से हमें इस बचे हुए टाइम में स्टडी करनी चाहिए ताकि हमारे एग्जाम क्रैक हो जाए। सो आज की वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट रहे और काफी स्पेशल रहने वाली है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रैक यूजीसी नेट इन कॉमर्स और मैनेजमेंट, क्योंकि दोनों के सिमिलर सब्जेक्ट हैं ऑलमोस्ट, और कुछ सब्जेक्ट अलग हैं, बाकी अप्रोक्स 60 से 70% सिलेबस सेम ही है दोनों का। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करूंगा कॉमर्स एंड मैनेजमेंट को लेकर के मिनिमम टाइम में किस तरीके से हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें। दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पर चीजें शेयर करने वाला हूँ, बिकॉज मैंने खुद इस एग्जाम को 4 बार क्वालिफाई किया हुआ है। सो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें और मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक फॉलो कर सकते हो। इन सभी के जो लिंक हैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। ओके, अगर आप फ्री में प्री वाई क्यूज चाहते हो, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर विद आंसर, और इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट पीडीएफ चाहते हैं पेपर 1 कॉमर्स की, तो आप हम सिंपली एग्जाम मेंटोर ऐप इंस्टॉल कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो इसी ऐप के होम सेक्शन पे आपको दिख जाएगा फ्री स्टडी मटेरियल करके सेक्शन, जहाँ पे आपको फ्री कंटेंट भी हमने इसके अंदर आपको अवेलेबल करवाया है। ओके, तो गाइस देखिए, सबसे पहले मैं आपको यही बोलूंगा कि रिलैक्स रहना है, रिलैक्स एंड टेक इट ईजी। कई बार क्या होता है, हम चीजों को ना दिमाग में चढ़ा लेते हैं कि तो बहुत टफ है, हमसे हो ही नहीं पाएगा, और अगर आपने ये सोच लिया तो डेफिनेटली या फिर आपसे नहीं हो पाएगा। तो इसलिए रिलैक्स रहना है और इसको ईजी लेना है। अब टेक इट ईजी का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही रिलैक्स हो गया, कि पड़े हुए हैं 24 24 घंटे, पढ़ ही नहीं रहे, पड़े हुए बिस्तर के ऊपर कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे, इतना भी रिलैक्स नहीं हो जाना है। तो कहने का मतलब है कि अपने माइंड को रिलैक्स रखना है और एक पॉजिटिव वे के साथ आगे बढ़ना है कि आप कर सकते हो। जहां पर ये वाली अप्रोच आती है ना कि आई कैन, वहां पर चीजें ऑटोमेटिकली आपको इजी लगना स्टार्ट हो जाती हैं। और जब आपको लगता है कि मुश्किल है मेरे लिए, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उस केस में इजी चीजें भी आपको टफ लगने लग जाएंगी। सो सबसे पहले तो अपने अपने माइंड को रिलैक्स कर दीजिए, बिकॉज पेपर 2 अगर हम मैनेजमेंट या कॉमर्स की बात करें तो आपने इन सभी को पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। आपने या तो आपने BCom किया होगा, या तो MCom किया होगा, या BBA फिर MBA किया होगा, तो आपने इन सभी सब्जेक्ट को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है जो आपके सिलेबस में है। बस करना क्या है, आपको उसको रिवाइज करना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, और जिस तरीके से NTA क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, बस इतना से करना है। तो सबसे पहले काम करना है कि सिलेबस को गो थ्रू करना है काफी डिटेल में, क्योंकि सिलेबस अगर आप फॉलो नहीं करते हो, इसका मतलब है कि फिर चीजें मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि सिलेबस के अंदर से ही सब कुछ पूछा जाएगा। तो गाइस देखिए, टोटल 10 यूनिट्स होती हैं आपके पेपर 2 की कॉमर्स की अगर हम बात करें। ऐसे ही कॉमर्स के अलावा जो आपका मैनेजमेंट सब्जेक्ट है उसके अंदर भी आपकी 10 यूनिट्स होती हैं। इसमें अप्रोक्स 60 से 70% सेम सिलेबस होता है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का, थोड़ा सा सिलेबस अलग होता है। तो जो मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग डाउनलोड करिए सिलेबस। वैसे तो मैं कॉमर्स और मैनेजमेंट का सिलेबस मैंने आपको अपनी ऐप में भी अवेलेबल करवा दिया, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज आप सिंपली यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस देखिए, यहाँ पर सिलेबस में बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस स्टेटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड हो गया, बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मार्केटिंग मैनेजमेंट, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। तो गाइस देखिए, ये जो सिलेबस है काफी लेंदी होता है, और इस बचे हुए टाइम में, क्योंकि अब टाइम काफी बचा हुआ है, मैं 5 जून को वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ और आपका जून जो है 18 तारीख के आसपास है, तो काफी कम टाइम बचा हुआ है, अप्रोक्स 15 दिन के आसपास का भी टाइम है लगभग लगभग, मैं आपको बता रहा हूँ। सो यहाँ पर गाइज आपको कंप्लीट 10 यूनिट्स A to Z, अगर आप सोचेंगे कि एक एक टॉपिक मेरा फिनिश हो जाए तो काफी मुश्किल है, क्योंकि टाइम काफी कम बचा हुआ है। देखो, जो बेस्ट टाइम है, मतलब जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि बेस्ट टाइम होता है प्रिपरेशन का, कंप्लीट तरीके से प्रिपरेशन का, वो 4 से 5 महीने आपको देने पड़ेंगे डेडिकेटेड तरीके से पेपर 1 पेपर 2 की अगर हम बात करें दोनों को मिला करके, क्योंकि काफी दोनों का सिलेबस मिला दिया जाए तो काफी लेंदी हो जाता है। तो इसलिए अगर आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करो तो अच्छी बात है, अगर अभी प्रिपरेशन करने बैठे हो तो ऐसे में फिर आपको एवरग्रीन टॉपिक फॉलो करने चाहिए। मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में एवरग्रीन टॉपिक कैसे कहाँ मिलेंगे। सो गाइस देखिए, इन सभी यूनिट्स में से किसी यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, किसी यूनिट से कम क्वेश्चन बनते हैं। और सेकंड थिंग कि कई बार मैंने ऐसा भी देखा, ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनका न्यूमेरिकल पोर्शन काफी स्ट्रांग होता है, जैसे अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्ट्रांग होगा,
फाइनेंस का स्ट्रांग हो जाएगा, इनका स्टैटिस्टिक्स का स्ट्रांग होगा, है ना। बाकी जो जो आपके थियोरिटिकल जैसे बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, ये काफ़ी टफ लगते हैं, या कई बार उल्टा होता है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट ईजी लगता है। इसके अलावा आपको बिजनेस इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस ईजी लगते हैं, बट आपके न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो टफ लगते हैं। तो ऐसे में इस बचे हुए टाइम में, क्योंकि 15 दिन का टाइम बचा हुआ है, ऐसे में जो आपको टफ लगता है उसके ऊपर ध्यान मत दो, जो ईजी लगता है उनको पहले कवर करो। इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। तो इस बचे हुए टाइम में क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला काम आपको करना ये है कि आपको चेक करनी है PDF डाउनलोड करके कि आपकी कट ऑफ क्या रही थी पिछले साल। इससे क्या होगा, आपको सिंपली आइडिया लग जाएगा कि आपका टारगेट कितना होना चाहिए। वैसे 60% के आसपास अगर आप लेके आते हो तो नेट क्रैक हो जाएगा। तो ये मान के चलो कि 300 क्वेश्चन में से 180 क्वेश्चन के आसपास आपको सही करने हैं, पेपर वन पेपर टू दोनों के मिला करके। 300 मार्क्स में से आपको 180 मार्क्स लेकर के आने हैं, तो 150 क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो ये आपके 150 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन जो है आपके पास आपके सही होने चाहिए, तो आप मान के चलना कि आपका नेट हो जाएगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा कट ऑफ भी चेक कर लेनी, क्योंकि मैं एक रफ आइडिया आपको दे रहा हूँ, क्योंकि आपकी कैटेगरी अलग हो सकती है, OBC SC ST इस तरह की कैटेगरी होती है, जनरल कैटेगरी। तो आप चेक कर लीजिए कि आपकी कैटेगरी कट ऑफ कितनी गई थी लास्ट ईयर, इससे आपको टारगेट पता चल जाएगा कि आपको कितना स्कोर करना है। जब आपके माइंड में टारगेट होता है तो उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करते हो, है ना। तो आपको टारगेट पता होना जरूरी है, इसलिए प्रीवियस ईयर की PDF डाउनलोड करिए कट ऑफ की। और ये जो PDF है ये हमारी ऐप में अवेलेबल, एग्जाम एंड हो रहा है फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में, होम पेज पर ये अवेलेबल है, तो वहां से डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। अब देखो गाइस, इस बचे हुए टाइम में आपको एवरग्रीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉलो करने हैं, चाहे पेपर वन की बात करें चाहे पेपर टू की बात करें, दोनों केस में आपको एवरग्रीन टॉपिक फॉलो करने हैं इस बचे हुए टाइम में। तो मैंने कॉमर्स से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं, एवरग्रीन टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दी है, सो मेक श्योर आप इस वीडियो को फॉलो करिए। इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई थी, ये लगभग 50 मिनट या 1 घंटे के आसपास की वीडियो है, जिसमें मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 100% क्वेश्चन बनना ही बनना है, उन टॉपिक्स को मैंने कवर किया है इस वीडियो में। ये 1 घंटे का लेक्चर होगा लगभग, और इस लेक्चर में मैंने जो आपका कॉमर्स सब्जेक्ट है इसके अंदर के जितने भी एवरग्रीन टॉपिक है जो आने ही आने, मतलब एक होता है एवरग्रीन, होता है कि आने ही आने, गारंटेड कि आना है, उसके अलावा पेपर कुछ कहीं और से बनेगा ही नहीं, कुछ ऐसे टॉपिक भी होता है। तो वो टॉपिक मैंने इसके अंदर आपको समझाया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। बेसिकली मैंने सिर्फ टॉपिक नहीं बताया कि पढ़ लो, नहीं, टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस वीडियो को जरूर देखें एग्जाम में जाने से पहले, ये वीडियो डेफिनेटली आपको एडवांटेज देगी। और इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही मैं कोशिश करूंगा कि इस वाले इस लेक्चर की जो PDF है वो मैं आपको अपनी ऐप में अवेलेबल करवा दूं, ताकि इस बचे हुए टाइम में आप उस PDF के थ्रू भी अपनी स्टडी कर सके। सो मैं कोशिश करूंगा कि इस लेक्चर की जो 1 घंटे का लेक्चर है, मैं इसकी PDF मैं आपको अपने ऐप में अवेलेबल करवा दूँ, ताकि आप इसको डाउनलोड करके आराम से गो थ्रू कर सकें। इसके अलावा करना क्या है, इस बचे हुए टाइम में अगर आप चाहो तो पिछले 2 से 3 पेपर, ज़्यादा नहीं क्योंकि टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, 2-3 साल के पेपर कर लो गो थ्रू। 2-3 साल का मतलब ये हो गया कि 4 से 5 क्वेश्चन पेपर आपको कॉमर्स के कर लेने चाहिए। इससे ये होगा कि आपको एक तो ट्रेंड पता चलेगा कि किस तरह का पैटर्न, किस तरह की पैटर्न पे क्वेश्चन बनते हैं, आपको एवरग्रीन टॉपिक्स का भी आइडिया लगेगा, खुद से भी आइडिया लग जाएगा जब आप 4-5 पेपर लगाओगे। तो ये मस्ट टू डू है, आपको करना ही करना है इस बचे हुए टाइम में, 4-5 पेपर लगा लो, इससे आपका एडवांटेज होगा और इससे आपको क्वेश्चंस का आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। फिर इसके बाद करना क्या है कि रिवीजन जरूर करना है, बिकॉज होता क्या है कि जब हम बचे हुए कम टाइम में ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम भूल जाते हैं, याद नहीं रहता कुछ, इसलिए रिवीजन करना है। जो भी आप पढ़ोगे इस बचे हुए टाइम में उसकी रिवीजन करके जाना है एग्जाम में, नहीं तो भूल जाओगे, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर होता है, फिर चीजें भूल जाते हो आप। तो इसलिए एग्जाम में जाने से पहले मेक श्योर करें कि आप रिवीजन जरूर करें, जो भी पढ़े हैं उसको रिवाइज करने एक बार जाने से पहले, ताकि आपको चीजें याद रहें, नहीं तो भूल जाओगे तो फिर कोई फायदा नहीं पढ़ाई करने का। इसके अलावा देखो, अभी जो एग्जाम है जून में, इसका तो अप्रोक्स टाइम आ ही गया है, 15 दिन का टाइम बचा हुआ है अप्रोक्स, और अभी दिसंबर में टाइम है क्योंकि दिसंबर 2024 में एग्जाम होगा, आप सीधा 6 महीने का गैप है। तो अगर उसकी तैयारी आप अभी से स्टार्ट करोगे तो 99% चांस है कि दिसंबर में एग्जाम आपको क्रैक हो जाएगा, आपको बार बार एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। सो इसके लिए हमने एग्जाम टारगेटेड UGC नेट पेपर वन का, कॉमर्स का, मैनेजमेंट का एंड पॉलिटिकल साइंस का, इन सभी के कोर्सेज स्टार्ट कर दिए हैं दिसंबर 2024 के लिए। सो इन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अभी जो जून वाला एग्जाम है, इसका हमने एक 1 मंथ क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था कॉमर्स का और मैनेजमेंट का, ये 1 मंथ वाले कोर्सेज भी अवेलेबल है, अभी भी अवेलेबल है कॉमर्स मैनेजमेंट के, तो आप 1 मंथ वाले कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो।
सो गाइज यहाँ पर आप इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक कर सकते हो, एग्जाम टारगेटेड स्टडी करके। एग्जाम टारगेटेड इन द सेंस कि जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से चीजों को प्रिपेयर किया जाए। सो आपको यहाँ पर कंप्लीट कोर्स के अंदर कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो कि बायलिंगुअल होंगे, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में। 100 मॉक टेस्ट इन पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हो। सो गाइस किस तरीके से इनरोल कर सकते हो, आप सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको एग्जाम मेंटोर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप आईओएस यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।